ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। लद्दाख के गलवान घाटी में एलएसी पर चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 बहादुर जवान शहीद हो गए। भारतीय जाबाजों ने भी बॉर्डर पर डटकर सामना करते हुए कई चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के 43 सैनिक मारे गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देश की संप्रभुता सर्वोच्च है। देश की सुरक्षा करने में हमें कोई नहीं रोक सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भोजपुर के 2 जवानों ने देश के लिए शहादत दी है। भोजपुर के रहने वाले कुंदन ओझा और चंदन यादव इस खूनी संघर्ष में लोहा लेते हुए शहीद हो गए। हिंसक झड़प में शहीद होने वाले वीर जवानों में बिहार के आरा के रहने वाले चंदन यादव भी शामिल है, जो महज 23 साल के थे। इस युवा जवान की शहादत की खबर मिलते ही पूरे गांव में कोहराम मच गया। घर वालों का रो रो का बुरा हाल है। शहीद चंदन यादव मूल रूप से पसौर गांव निवासी हैं, लेकिन ये अपने ननिहाल में रहकर शिक्षा प्राप्त किए थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि चंदन ने अपने सर्टिफिकेट में पिता की जगह पर नाना का नाम लिखवाया था, इसलिए ये भोजपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के ज्ञानपुर गांव निवासी बताए जा रहे हैं, लेकिन इनका पैतृक गांव पसौर है। भोजपुर जिला के जगदीशपुर इलाके के रहने वाले हैं, जिनका घर ज्ञानपुर गांव में है। चंदन के पिता रिटायर्ड होमगार्ड जवान है। चंदन 4 भाई और सभी भाई देश की सेवा में लगे हुए हैं। शहीद चंदन के साथ साथ उनके एक और भाई लद्दाख बॉर्डर पर ही देश की रक्षा कर रहे हैं। 2 अन्य भाई भी आर्मी में हैं, जो रांची और अन्य जगह पर पोस्टेड हैं। शहीद चंदन की 2 बहनें हैं। बताया जा रहा है कि शहीद चंदन अपने घर में सबसे छोटे भाई थे। अपनी मिट्टी के लिए प्राण की आहुति देने वाले शहीद चंदन यादव की शादी इसी साल अप्रैल महीने में होने वाली थी, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए देश में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, जिसके कारण उनकी शादी टल गई। उसके बाद उनकी शादी को मई में तय किया गया, लेकिन एक बार फिर से लॉकडाउन की बढ़ जाने के बाद उनकी शादी को टाला गया। वीर जवान चंदन यादव की शादी भोजपुर जिले के ही सुल्तानपुर गांव में होने वाली थी। चंदन के परिजनों ने बताया कि वह 2 साल पहले ही 2017 में आर्मी ज्वाइन किए थे। इसी साल उनकी पोस्टिंग लद्दाख में हुई थी, जहां सब जीरो टेम्परेचर वाले लद्दाख बॉर्डर पर वह अपने भाई के साथ ही देश की रक्षा में लगे हुए थे। दिन रात सर्द हवाओं और बर्फीले तूफानों के बीच उन्होंने देश की सेवा की। देश की रक्षा की खातिर बुजदिली चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए उन्होंने शहादत दी। शहीद चंदन यादव के गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है, और इसी सन्नाटे के बीच चीन के खिलाफ गुस्सा भी दिख रहा है। शहीद जवान के गांव वाले चीन मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। सबसे पहले चंदन की शहीद होने की खबर उनके बड़े भाई को मिली, जो वहीं लद्दाख में ही पोस्टेड हैं। उन्होंने जैसे ही ये खबर घर वाले को दी, घर में कोहराम मच गया। पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। देश के लिए बेटे की शहादत व्यर्थ ना जाए, इसलिए वो बदले की मांग कर रहे हैं। गांव के लोग शहीद को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पोस्टेड थे ना? लद्दाख में पोस्टेड थे। तो क्या पता चला आप लोगों को? कैसे पता चला? फोन आया था क्या? कैसे पता चला कुछ? व्हाट्सएप पे लड़का लोग बताया क्या है? हाँ। इधर कब बात हुआ था बेटा से आपको? एक हफ्ता पहले। एक हफ्ता पहले? कल परसों बात नहीं हुआ था? इधर इनका शादी भी होने वाला था ना मई में, लॉकडाउन के चलते नहीं हुआ शादी। और मैंने एक हफ्ता पहले बात हुआ तो क्या बोले थे? कुछ बताए थे क्या स्थिति है? समाचार ठीक है? कुछ मन स्थिति खराब तो नहीं? इधर एक दो दिन में नहीं बात हुआ है क्या? तो आप भी पहले मिलिट्री में ही थे क्या? नहीं, हम मिलिट्री में नहीं। ये कब से थे वहाँ? होमगार्ड में। ये कहाँ कब से थे बेटा आपके? चंदन लगभग 3 साल हो गए हमको बहाली हुआ। 3 साल पहले बहाली हुआ था ना? शुरू से लद्दाख में ही है? हाँ, लद्दाख में। आप होमगार्ड के जवान थे यहाँ जगदीशपुर थाना में? जी हाँ। क्या नाम हुआ आपका? आपके दोस्त थे वो? नहीं, भाई थे, चचेरा भाई थे। अच्छा, ये कब खबर मिली है? ये आज सुबह मिली है। सुबह हुई ऐसी खबर मिली है कि इस तरह का हो गया है। ऐसे सभी लोग पता है कि एक दिन से ही वहाँ पर झड़प चल रही है।
एक दिन से सभी लोग को पता है, सारा देश भी जान रहा है कि चाइना ने इस तरह का हरकत कर रहा है, और हमारा इंडिया सरकार जो वहाँ पर सो रही है, और सरकार को ये कभी ये नहीं समझ नहीं आ रहा है कि इतना डर क्यों रही है चाइना से। यदि पाकिस्तान का मामला होता तो चाइना पाकिस्तान को बोलता हम वो करेंगे ये करेंगे, और चाइना के मैटर में यहाँ तक कि कोई न्यूज नहीं है। यहाँ तक कि अभी भी अधिकारी लोग यहाँ के बिहार रेजिमेंट के कोई पुष्टि नहीं कर रहा है कि इस तरह हुई है। जब घर के लोग फोन कर रहा है ये कर रहा है तब उसमें सूचना दिया जा रहा है कि हाँ ऐसा हुआ है, मैंने आप लोगों को बताया नहीं जा रहा है कुछ, बताया नहीं जा रहा है। अभी भी हमने बिहार रेजिमेंट सेंटर से बात करने की कोशिश की क्योंकि हम भी आर्मी से रिलेटेड है, वहाँ भी इस तरह की सूचना बोला कि हम लोग की सूचना गुप्त रखा गया है, जबकि ऑफिशियल सूचना नहीं दिया गया। हालांकि वहाँ से कुछ लोगों ने फोन किया कि हाँ चंदन कुमार जो है शहीद हो चुके हैं। तो मैंने चंदन कुमार यहाँ सुनने में आ रहा है कि 3-4 लोग वहाँ चंदन कुमार नहीं, चंदन कुमार यही चंदन कुमार है, उनका माँ का नाम जो है, उनका पिताजी का नाम है, वहाँ से तो पुष्टि हो चुकी है, पुष्टि हो चुकी हाँ चंदन कुमार यही है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए चाइना के साथ जिस तरह हरकत किया उसके जवाब देना चाहिए, चाइना का ढुक कर मरना चाहिए। चाइना को दूसरा थोड़ी, हमारे सेना से थोड़ी मजबूत है। चाइना एक भ्रम फैला के रखा गया है, मीडिया के लोग भ्रम फैला के रखा कि चाइना वो आया हुआ है। हम भी 99 में हम लोग चाइना के साथ किए हैं, जिस समय कारगिल वार हो रहा था हम लोग अरुणाचल चाइना नेफा में हम लोग इस तरह का हुआ हरकत, चाइना चाहे ढुक, हमने नहीं ढुकने दिया, हम लोग उसके जवाब दिए, सेना को पावर दीजिए काहे नहीं होगा, कुछ नहीं होगा चाइना। सरकार को सिर्फ आत्मबल होना चाहिए कि हमको चाइना से निपटना है, कुछ नहीं होगा चाइना का न इंडिया का होगा, अपने आप वो ठीक हो जाएगा चाइना। सरकार को आत्मबल की आवश्यकता है। ठीक है, अपना नाम बताइए। सत्येंद्र कुमार नाम है। रिटायर्ड हैं आप? हाँ आर्मी से रिटायर है। एम्ब्रोनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, पटना नौबतपुर में अपना प्लॉट पाए मात्र 6.5 लाख रुपए में। ड्रीम प्रोजेक्ट प्रिंस टाउन सिटी रानीपुर पटना सिटी ओवर ब्रिज के बगल में, संपर्क करें एम्ब्रोनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर एवरग्रीन कॉम्प्लेक्स अलकापुरी मोड़ गर्दनी बाग पटना।